Good morning, students. I hope you all will be fine. Today we will discuss our chapter number first, book from Excellent English Reader. The topic is Mysterious Key. Mysterious means रहस्यमय. Book key means चाबी. ये एक story है, हम इसे एक story के रूप में पढ़ेंगे. Now start. A small family lived in a town, Mount Abu. Mount Abu में एक कस्बे में एक small family, छोटी सी family रहती थी. In the family में there were Mr. Sanjeev, Mrs. Parul, Mehul and Mehak. ये चारों आपस में साथ साथ रहते थे. इनकी एक छोटी सी small family थी. They means both दोनों, Mr. Sanjeev and Mrs. Parul, were having breakfast. वो अपना नाश्ता ले रहे थे. Mehak and Mehul were already off to school. दोनों बच्चे पहले ही स्कूल जा चुके थे. महक स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड. महक जो थी वो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी. वाइल जबकि मेहुल वाज स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड इन द सेम, उसी स्कूल में जो मेहुल था वो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा था. आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद मिस्टर संजीव स्टूड अप, वो खड़े हुए एंड लुकड एट मिसेस पारुल, और उन्होंने मिसेस पारुल की तरफ देखा. ही पुट हिज सॉरी ही सैड, उसने कहा आई विल लीव, अब मुझे जाना होगा. विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही पुट हिज हैंड इन टू हिज कोट पॉकेट, उन्होंने अपने हाथ अपने कोट की जेब में डाले. देन ही पुट अनदर हैंड इन टू अनदर पॉकेट, देन उन्होंने अपना दूसरा हाथ भी कोट की दूसरी जेब में डाला. एंड सून ही वाज सर्चिंग ऑल हिज पॉकेट्स, और जल्दी ही, सर्चिंग मीन्स तलाश करना, वो सारी पॉकेट्स में कुछ तलाश करने लगे. ही आस्क्ड, उसने पूछा, डू यू नो वेयर द कार की इज, क्या तुम जानते हो कि कार की कहाँ है. नो सेड मिसेस पारुल, मिसेस पारुल ने कहा नहीं. आई डू नॉट रिमेंबर वेयर आई पुट इट, मुझे नहीं याद कि मैंने इसे कहाँ रखा, इन द पॉकेट पॉकेट में या और ऑन द टेबल टेबल पर. सेड मिस्टर संजीव, मिस्टर संजीव ने कहा, एज ए वेंट टू द ड्राइंग रूम, और ये कहते हुए वो कहाँ चले गए, अपने ड्राइंग रूम में. मिसेस पारुल फॉलोड मीन्स उनके पीछे पीछे गई. मिसेस पारुल, आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, मैंने कई बार आपको कहा है टू पुट इट, इसे रखा करिए, इन ए की रिंग, एक चाबी के छल्ले में. बट यू डोंट लिसन, लेकिन तुम नहीं सुनती. शी कंप्लेन मीन्स शिकायत करना. ये मिसेस संजीव ने शिकायत की मिसेस पारुल ने शिकायत की मिस्टर संजीव से. फाइंड आउट द की क्विकली, जल्दी से की को तलाश करो. आई एम गेटिंग लेट, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ, मिस्टर संजीव सेड वर्डली, चिंतित भाव से मिस्टर संजीव ने कहा. दे सर्च फॉर इट एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह इसको तलाश किया. बट ऑल टू नो अवेल, लेकिन किसी भी जगह पर कहीं पर भी उन्होंने चाबी को नहीं ढूंढा. These children are so mischievous. Mischievous means naughty, शरारती. ये बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं. They ought to be corrected. अब हमने उन्हें सुधारने की ज़रूरत है. यहाँ पर corrected का मीनिंग सही ना होकर उनसे ठीक करने से रिलेटेड है. Okay, I will take a taxi today. आज मैं टैक्सी ले लेता हूँ. Said Mr. Sanjeev ने कहा. And he walked out. और वो ये कहकर चले गए. He appeared angry. वो गुस्से से दिखाई दे रहे थे. After his departure means चले जाने के बाद, Mrs. Parul searched for the car key. Mrs. Parul ने कार की चाबी को हर जगह तलाश किया. In the drawers में, on the bed, on the table, in the shelves, in the cupboard, and everywhere. और हर जगह. Else she could ever imagine. जहाँ तक वो कल्पना कर सकती थी, including under. यहाँ तक कि every piece of furniture. उन्होंने अपने घर में जो furniture था उसके हर पीस में, यानी कि जहाँ जहाँ उनको उसकी ड्रॉज वगैरह थी, हर जगह पर उन्होंने चाबी को तलाश किया. बट द की नॉट टू बी फाउंड, लेकिन उन्हें चाबी कहीं पर भी नहीं मिली. इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, व्हेन महक एंड मेहुल रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, जब दोनों बच्चे स्कूल से वापस घर आए, शी आस्क्ड देम टू, उन्होंने उनसे भी पूछा. दे न्यू नथिंग ऑफ इट, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे. दे टू सर्च फॉर इट एवरीवेयर, उन्होंने भी चाबी की हर जगह तलाश की. बट इट वॉज नॉट टू बी फाउंड, लेकिन वो कहीं नहीं मिली. मिसेस पारुल वॉज
वेरी वरिड नाउ. अब तो मिसेस पारुल जो थी वरिड मीन्स चिंतित होना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई. शी न्यू, वो जानती थी, हर हस्बैंड कुड से हार्श वर्ड टू द चिल्ड्रन, कि उनके हस्बैंड जो हैं बच्चों को बड़े रफरी शब्द कहेंगे. हार्श मीन्स रफ वर्ड्स. दिस शी डिसलाइक द मोस्ट, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा नापसंद करती थी. व्हेन मिस्टर संजीव केम बैक फ्रॉम ऑफिस, जब मिस्टर संजीव ऑफिस से वापस घर आए, ही फ्यूम्ड, गुस्से से भरे हुए थे, एंड रेड, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी. व्हेन ही पैसिफाइड ए लिटिल, थोड़ा सा रिलीफ होने के बाद, काम ठंडा होने के बाद, महक डियर टू सी, महक ने ये कहने की हिम्मत की, पापा आई सॉ यू स्लिप द की इनटू योर कोट, मैंने देखा कि आपने की को कहाँ पर रखा था, अपने कोट की जेब में. वेयर कुड इट हैव गॉन देम देन, अब ये वहाँ से कहाँ जा सकती है. कम चेक फॉर योरसेल्फ, आओ और तुम खुद अपने आप से चेक कर लो. सेइंग दिस, ये कहते हुए मिस्टर संजीव स्टूड अप, मिस्टर संजीव खड़े हो गए. हिज फेस हैड गॉन रेड अगेन, उनका चेहरा फिर गुस्से से लाल हो गया. महक टू वाज फ्राइटेंड, महक भी बहुत ज़्यादा घबरा गई, भयभीत हो गई. बट शी हैड ए कूल हेड ओवर हिज शोल्डर, लेकिन उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखा, अपने आप में कामनेस, शीतलता पाई. शी पुट द हैंड इन टू वन पॉकेट, एक पॉकेट में हाथ डाला. देन केम टू अनदर साइड, तब दूसरी साइड पे सर्च किया, टू अदर पॉकेट, दूसरी पॉकेट में. नो द की वाज नो, की चाबी वहाँ पर भी नहीं थी. सो यू फाउंड आउट द की, क्या तुमने की को ढूंढ लिया है. यू सॉ मी पुट इट देयर, तुमने मुझे देखा वहाँ पर रखते हुए. डिड यू, क्या तुम. मिस्टर संजीव आ जाते, ये शब्द बोलते हुए मिस्टर संजीव जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए थे. एंग्री मीन्स गुस्से से, क्रोधी. आउट ऑफ हर विट्स नाउ, अब उसने विट्स मीन्स अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए. महक वॉज अबाउट टू पुल हर हैंड आउट, जैसे ही महक अपना हाथ खींचने वाली थी. व्हेन ए लाइन ऑफ होप लाइटन हर फेस, तो एक उम्मीद, लाइन ऑफ होप मीन्स आशा की एक किरण उसके चेहरे पर दिखाई दी. शी टुक आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला. एंड फेल्ट द बॉटम ऑफ द कोट अलोंग द लाइनिंग, उसने महसूस किया कि चाबी कहाँ पर है, कोट के बॉटम पर. शी वेंट राउंड, फिर वो दोबारा गई वहीं पर, डूइंग इट, ऐसा करते हुए. एंड देन मूव्ड अवे, फिर वहाँ से थोड़ा सा मूव हुई. हर फेस नाउ रेडिड वार्म, अब उसका फेस भी वार्म मीन्स ऐसे कि गुस्से से चमकने लगा. कम नियर, और पास आओ. आई विल शो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. वेयर आई पुट इट, मैंने कहाँ रखी थी. मिस्टर संजीव स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. मिस्टर स्क्रीम गुस्से से चिल्लाई. एंड ही रेज हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए. पापा आई हैव फाउंड इट, रिप्लाइड महक. महक ने उत्तर दिया कि मैंने चाबी पहले ही ढूंढ ली है. यू फाउंड इट, तुमने ढूंढ ली. डिड यू, क्या तुम. वेयर इज इट, कहाँ थी ये. इट इज़ वेरी मच इन योर कोट, पापा ऑब्वियसली ये आपके कोट में ही थी, सेट महक. महक ने कहा. मिस्टर संजीव पुट हिज हैंड इन टू द पॉकेट, मिस्टर संजीव ने अपने हाथ पॉकेट में डाले. एंड लुक हेल्पलेसली, बड़े ही केयरलेसली भाव से, होपलेसली मीन्स हेल्पलेसली मीन्स ना उम्मीद से, उन्होंने अपने कोट की पॉकेट में देखा. पुट ऑफ द कोट, इस कोट को उतारो. आई विल शो इट यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सेट महक. महक ने कहा. मिस्टर संजीव लुक्ड एट हर विद स्ट्रेंज आइज, जब ऐसा उस बच्ची ने कहा तो मिस्टर संजीव ने उसकी तरफ बड़ी अजीब विचित्र आईज से देखा. ही पुट ऑफ द कोट, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उन्होंने अपना कोट उतारा. एंड थ्रू इट टू महक, और महक के पास फेंक दिया. महक टुक द कोट, महक ने वो कोट को उठाया. एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया ए होल, एक छेद, जस्ट नियर द माउथ इन द पॉकेट, कि पॉकेट के बिल्कुल माउथ के पास एक क्या था, होल था. देन शी मेड हिम फील, तब उन्होंने उसे ऐसा, उसने अपने पापा को ये फील करवाया, द की इन द लाइन, कि की अंदर पड़ी हुई है. एंड सेट कहा, द की हैज़ पास थ्रू दिस हॉल, इस हॉल से की जो है आपके कोट के इनर पार्ट पर चली गई है. ओ मिस्टर संजीव टू के साई ऑफ रिलीफ, ये सुनकर मिस्टर संजीव ने एक सांस भरी चैन ली. यू लिटिल डिटेक्टिव, तुम छोटी सी डिटेक्टिव, यू डिज़र्व, तुम डिज़र्व करती हो एक इनाम की हकदार हो. लेट अस गो फॉर ए ड्राइव, आओ हम एक ड्राइव पर चलते हैं. देयर आई विल गिव यू ए नाइस ट्रीट, जहाँ पर मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक अच्छी ट्रीट. वी शैल हैव द डिनर आउट आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद हम वहाँ पर डिनर भी करेंगे, सेड मेहोल, मेहोल ने कहा. ओके ओके,
लव मिस्टर संजीव. मिस्टर संजीव हंसे. नॉट लॉन्गर आफ्टर द फैमिली. इसके बाद फैमिली वॉज ड्राइविंग इन द कार हैप्पीली. थोड़ी देर के बाद मीन्स इसके जस्ट थोड़ी देर के बाद पूरी फैमिली जो थी हैप्पीली खुशी से एक लॉन्ग ड्राइव पर चली गई. सो स्टूडेंट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर नाउ वी विल डिस्कस वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज टू नो अवेल मीन्स बिना परिणाम के. विदाउट एनी रिजल्ट बिना परिणाम के हम जब कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं. हार्श हार्श मीन्स रूड रफली वर्ड. पैसिफाइड टू बी कम काम थोड़ा सा अपने आप को शांत करना. लाइनिंग मीन्स इनर लेयर अंदर की सतह पर. मिस्टीरियस मिस्टीरियस मीन्स नॉटी. फ्यूम्ड टू बी एंग्री रेज्ड बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाना. फ्राइटेंडेड अफ्रेड डरना. स्क्रीम्ड टू क्राई डर चिल्लाना. सो आफ्टर रीडिंग द चैप्टर स्टूडेंट ट्राइंग टू सॉल्व योर बुक वर्क. वी विल डिस्कस बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर आफ्टर सम टाइम. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.